नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 में आपका स्वागत है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। ये मेरा पी एक्स है, ये जी एक्स है। इस पी एक्स को इस जी एक्स से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा, जो शेष आएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। देखिए आपके पास जी एक्स है वो है एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो यू कैन राइट हियर एक्स माइनस से आपका इधर आएगा तो ए हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। इस तरह से आप पी एक्स की जगह पर आप ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जहां यहां पर ए है ए होल क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए, एक्स की जगह पर आप ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर ए क्यूब हो जाएगा, यह ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए की पावर वन है। आप क्या करें, ए कॉमन ले लें, टू प्लस वन यहाँ पर थ्री जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो हम तो बेस कॉमन ले लेते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर प्लस सिक्स ए माइनस ए। देखिए ये माइनस प्लस के अपोजिट साइन में नंबर सेम है, ये हट जाएगा, सिक्स ए से वन ए आप माइनस कर देंगे तो ये 5a हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर होगा। जिस रिमाइंडर को आप फाइंड करना चाहते हैं इस फॉर्म में डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर कितना जाएगा, 5a हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू वॉच।